कुछ चीजों के स्वाद और खुशबू से हम अपने यादों की गलियों में पहुंच जाते हैं। भूली बिसरी यादें आंखों के सामने साकार हो उठती हैं और हमें समय के धुंध में खोई हुई जगहों पर ले जाती हैं। मेरी पत्नी मंजुला अक्सर कहा करती थी, जो भी काम आप अपने हाथों से करते हैं उसे प्यार से करिए, तब उसका फल जरूर मीठा ही होगा। उन दिनों किसान के लिए उत्पाद बेचना मुश्किल होता था। स्ट्रॉबेरी बड़ा नाजुक फल है, तोड़ने के सिर्फ 24 घंटे बाद वो खराब हो जाता है। थोड़े से भी ज्यादा वजन से यह फल पिचक जाता है। उगाने के समय भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इस कारण मजबूर किसान अपना उत्पाद लोकल किराने वाले को दे दिया करता था। सिर्फ बिके हुए उत्पाद के ही पैसे मिलते थे। इस कारण किसान की आमदनी अस्थिर थी। जाहिर समाधान इस फल को प्रिजर्व करना था। जब हमने सबसे पहले जैम बनाना शुरू किया था, हमारे पास सिर्फ एक केरोसिन का चूल्हा, कुछ बर्तन और एक थर्मोमीटर था। हमारी टीम में थी मंजुला, मैं और हमारे घर का रसोईया, और हमारा कुल निवेश सिर्फ 800 रुपए का था। तय किए गए कीमत पर किसान 10 किलोमीटर दूर अपने गांव से फल लाते थे। पूरा परिवार मिलकर इन फलों को धोते, इसका गूदा निकालकर सही बनावट तक पकाते और वोरा जैम्स का लेबल लगाकर छोटे बोतलों में तैयार कर देते थे। कई किताबें पढ़ने, कुछ प्रयोग करने और असफलताएं झेलने के बाद मैंने अपनी अनोखी रेसिपी बनाई, जिसमें 45% असली फल था, जबकि आम जैम में 25% फल ही मिलता था। मैं कुछ बोतलें अपने कार्यस्थल वाले फार्मेसी में रख देता था और बाकी अपने वेस्पा स्कूटर पर अलग अलग जगहों पर ले जाकर बेचता था। यही थी आज के मैप्रो की मामूली सी शुरुआत। अपने प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा फल को बनाए रखने की कोशिश में मैंने भारत में पहला स्ट्रॉबेरी क्रश बनाया, जिसे दूध में मिलाकर दूध कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता। उन दिनों में यह प्रसिद्ध फिजी कोला का देसी अवतार था। हमने पंचगनी में 3 नए घरेलू यूनिट बनाए और विभिन्न प्रयोग करके नए प्रोडक्ट तैयार करना शुरू किया। लेकिन हम जिसे नया कहते, FDA वाले उसे अजीब मानते। मुझे इन बड़े लोगों से मिलकर उन्हें विश्वास दिलाने का कोई तरीका खोजना था, लेकिन मेरी जान पहचान का कोई नहीं था। मैं उम्मीद खोई बैठा था कि मुझे यह खबर मिली कि FDA के निदेशक पंचगनी में मेरे दोस्त के होटल में ठहरे हुए थे। किसी दैवीय प्रेरणा से ही मैंने उनसे मुलाकात करने की व्यवस्था की और मुझे अपने निर्माणों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार जन्म हुआ हमारे लोकप्रिय रोज सिरप का, जिसमें असली गुलाब की पंखुड़ियां थीं और असली फलों के रस से बनी पेक्टिन जेली स्वीट, जिससे आगे चलकर हर किसी के पसंदीदा फलेरो का निर्माण हुआ। कुछ सालों बाद मैंने यह फैसला किया कि मेरा काम खत्म हो चुका है और मैंने अपना पूरा कामकाज अपने भतीजे मयूर को सौंप दिया। हमने अपना पहला कारखाना पंचगनी में बनाया और उसे ग्राहकों के लिए खोल दिया। लोगों में उत्सुकता थी, क्योंकि ज्यादातर लोग वास्तव में कभी भी किसी कारखाने में नहीं गए थे। इतने सारे ग्राहक आने लगे कि हमें जल्दी ही उनके खाने के लिए ग्राउंड पर जगह की जरूरत पड़ने लगी। आज आप इस जगह को मैप्रो गार्डन के नाम से जानते हैं, जहां अक्सर लोगों को हंसते बोलते और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मजा लेते देखा जा सकता है। आइसक्रीम की अपनी अलग ही कहानी है। मयूर की पत्नी राजवी
अमेरिका में अपने भाई बहनों से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन वे पूरे परिवार के लिए टिकट खरीदने में समर्थ नहीं थे। मगर राजवी ने भी अमेरिका जाने का संकल्प कर लिया था। उसने अपने हाथ से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना और मैप्रो गार्डन में ग्राहकों को बेचना शुरू किया। इसमें जैम बेचने के हमारे शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो गईं। 5 साल बाद उसने पर्याप्त पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन आज भी उसकी इस मेहनत का सबसे बड़ा इनाम आइसक्रीम खाने वालों के चेहरे पर आने वाली खुशी ही है। हमारे उत्पादों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ रही थी और जल्द ही हमारा पंचगनी का कारखाना छोटा पड़ने लगा। हमने अपना नया कारखाना शेंदुरजने में बनाया, जिसकी रचना उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई जो हमारे प्रोसेस को देखने आते हैं। आज भी आपको हमारे परिवार का कोई सदस्य खुद वहां आपका स्वागत करने के लिए तैयार मिलेगा। समय के साथ अनेक बातें बदली हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत वही हैं। हम आज यहां तक अपने किसानों, कर्मचारियों और आप लोगों के सहारे ही पहुंच पाए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की बहुमूल्य यादें हमारे साथ बांटी हैं। चाहे नाश्ते पर जैम की आखिरी चम्मच के लिए लड़ाई हो या आपके चॉकलेटों का छुपा हुआ भंडार हो, हम आप सबको एक साथ लाने के लिए मौजूद हैं। हम आपको समय की धुंध में खो चुकी जगहों की याद दिलाते हैं। हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए खुशियां हर चीज से बढ़कर हैं, और हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं जहां मिलकर खुशियां मनाई जाती हैं।